Dear students, today we are going to read The Fun They Had. This story is written by Isaac Asimov. Isaac Asimov एक अमेरिकन राइटर हैं और वे बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे हैं. इनका बर्थ 2 जनवरी 1920 में रशिया में हुआ था और ये साइंस फिक्शन मीन्स साइंस से रिलेटेड कहानियों को लिखने के लिए फेमस हैं. इनकी डेथ 6 अप्रैल 1992 में यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी. द फन दे हैड स्टोरी में 5 करेक्टर्स हैं. मार्गी जो कि 11 ईयर्स ओल्ड है वो डायरी लिखती हैं. मार्गी स्टोरी की मेन करेक्टर भी हैं. सेकेंड वन टोमी 13 ईयर्स ओल्ड बॉय हैं. थर्ड मिसेस जोन मार्गी की मदर हैं. फोर्थ मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर टीचर. फिफ्थ काउंटी इंस्पेक्टर, ये जो है कंप्यूटर टीचर को रिपेयर करते हैं और उनको चिल्ड्रन की एज के अकॉर्डिंग सेट करके जाते हैं. ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक डायरी एंट्री के साथ. मार्गी जो कि मेन करेक्टर है अपनी डायरी में डेट लिखती है 17 मई 2157. 2157 में स्कूल कैसे होंगे. नाउ वी आर लिविंग इन 2020. तो राइटर आइज़ैक एसिमोव 137 साल आगे की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं. सेकंड, आज से 100 सालों के बाद मींस 1 सेंचुरी के बाद स्कूल्स और प्रिंटेड बुक्स नहीं होंगी, ये राइटर की इमेजिनेशन है. थर्ड, 100 सालों के बाद मोस्टली बच्चों को प्रिंटेड बुक्स और स्कूल बिल्डिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा, जैसा इस स्टोरी के मेन करेक्टर जो कि मार्गी है उसको मालूम नहीं है. और वो बड़ी हैरान होती है जब टोमी जो कि 13 ईयर ओल्ड बॉय है एक प्रिंटेड बुक उसको दिखाता है. फोर्थ जो है इस स्टोरी में बताया गया है, ये स्टोरी जो है हमें ऐसे संसार में लेके जाती है जहाँ चिल्ड्रन को एजुकेट करने में कंप्यूटर का मेजर रोल होगा. फिफ्थ पॉइंट में राइटर फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स के बारे में बात करते हैं कि वो सिर्फ बच्चों को नॉलेज देंगे, वहाँ पे बच्चे एजुकेशन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. द रीज़न इज़ एक्सट्रीम मैकेनाइजेशन, क्योंकि टीचर भी कंप्यूटर होगा और बच्चे कंप्यूटर से स्टडी कर रहे होंगे तो वो एजुकेशन को एंजॉय बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. लेट्स स्टार्ट लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157. शी रोट टूडे टोमी फाउंड ए रियल बुक. मार्गी जो कि मेन करेक्टर है कहानी की, उसकी डायरी लिखने की आदत है एंड शी इज़ 11 ईयर्स ओल्ड. वो अब डायरी लिखती है रात को और उसने डेट लिखी है 17 मई 2157. तो राइटर हमें 137 साल आगे लेकर जा रहे हैं. शी रोट टूडे टोमी फाउंड ए रियल बुक. टोमी जो कि 13 ईयर्स ओल्ड बॉय है उसको एक बुक मिली है. इट वॉज़ ए वेरी ओल्ड बुक, काफ़ी पुरानी बुक थी. मार्गिस ग्रैंडफादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज ए लिटल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देर वॉज ए टाइम वेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. मार्गी के दादाजी ने उनको बताया था कि जब वो बच्चे थे, जब वो पढ़ते थे तो वो बुक्स से स्टडी करते थे. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. वो पेजेस पलटते थे जो कि येलोइश थे एंड इट वॉज आवफुली फनी टू रीड वर्ड्स that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. तो जब वो बच्चे उस बुक को देखते हैं और बुक को पढ़ते हैं, जैसे ही उसको टर्न करते हैं, उनके यहाँ पे स्क्रीन होता है, कंप्यूटर स्क्रीन, उस पे जो है वर्ड्स आगे बढ़ते चले जाते हैं. ऐसा इस बुक में नहीं हो रहा था. जैसे वो पिछले पेज पे आते हैं तो सेम वर्ड्स उनको लिखे हुए मिलते हैं. तो ये उनको काफ़ी हैरान करता है दोनों को. गी गी का मतलब है माइल्ड एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, हैरान होते हैं. सैड टोमी व्हाट ए वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक. When you have read the book, you just throw it away. आप क्या करोगे, only इसको फेंक दोगे. I guess, मैं यही गैस करता हूँ, सोचता हूँ. Our television screen must have had a million books on it. Tommy कहता है कि मेरे टेलीविज़न स्क्रीन पे
अ मिलियन मीन्स 10 लैक्स बुक्स होंगी और हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसको फेंकूँगा नहीं। सेम विद माइन, सेड मार्गी, मार्गी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टैली बुक्स एज टॉमी हैड, क्योंकि वो उससे 2 साल छोटी है तो उसने इतनी बुक्स जो हैं स्क्रीन पर देखी नहीं है जितने कि टॉमी ने देखी हैं। ही वॉज 13, टॉमी जो है वो 13 साल का है। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, आपको ये प्रिंटेड बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस, टॉमी ने कहा कि मुझे मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसकी तरफ देखे बगैर ही उसने बताया, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो उसको पढ़ रहा था। टॉमी जो है क्यूरियस है बाय नेचर और वो उस बुक को पढ़े जा रहा है। इन द एटिक, एटिक होता है स्टोर, स्टोर रूम, सबसे ऊपर जो घर में छत के बाद कमरा होता है उसको कहते हैं हम एटिक। व्हाट्स इट अबाउट, ये किस बारे में है। तो टॉमी बताता है स्कूल, स्कूल के बारे में है। स्कूल, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, स्कॉर्नफुल मीन्स हेटफुल। What's there to write about school? I hate school. मार्गी कहती है कि मुझे स्कूल से नफरत है और कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। मार्गी always hated school, but now she hated it more than ever. Ever means any time. मार्गी को हमेशा ही स्कूल से नफरत थी लेकिन अब उसको ज़्यादा हो गई थी। इसका एक कारण था, द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। जो उसके कंप्यूटर टीचर थे वो ज्योग्राफी में उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे, एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन, शेकन मीन्स मूव्ड फोर्सफुली, निकालना, एंड हर हैड सोरोफुली, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, सेंट फॉर मीन्स बुलाना। तो उसकी मम्मी जो है उस सेक्शन को बाहर निकालती हैं फोर्सफुली और काउंटी इंस्पेक्टर जो कि कंप्यूटर को रिपेयर करते हैं उनको बुलाती हैं। He was a round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. यहाँ पे आपको जो काउंटी इंस्पेक्टर है उनकी फिजिकल अपीयरेंस को बताया गया है। वो बड़े ही गोल से छोटे से रेड कलर के फेस वाले इंसान हैं और उनके पास एक बॉक्स है जिसमें औजार हैं, टूल्स हैं, जिनसे कि वो कंप्यूटर को ठीक करते हैं। He smiled at Margie and gave her an apple. County inspector जब Margie को देखते हैं तो वो उसकी तरफ smile करते हैं और उसको बच्ची को एक apple देते हैं खाने के लिए। Then took the teacher apart. Apart means aside. फिर वो computer teacher को निकाल कर ले जाते हैं। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्गी सोच रही थी काश इनको ना मालूम पड़े कि इसको दोबारा इनको कंप्यूटर टीचर को कैसे ठीक किया जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उनको मालूम था कि कैसे ठीक करना है। वो अपने काम में बड़े स्किल्ड थे। एंड आफ्टर एन आवर और सो देर वाज अगेन, और एक घंटे के बाद ही वो उसको कंप्यूटर को ठीक करके ले आते हैं। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वो जो कम मैकेनिकल टीचर थे वो काफ़ी बड़े थे, ब्लैक कलर के थे, एंड अगली मीन्स अनप्लेजेंट अपीयरेंस थी उनकी। विद ए बिग स्क्रीन, उनके ऊपर एक बड़ा सा स्क्रीन दिखाई देता था, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिस पे के सारे लेसन्स दिखाई देते थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसमें क्वेश्चंस मार्गी से किए जाते थे। दैट वाजंट सो बैड, अब ये इतना बुरा नहीं था क्योंकि अब काउंटी इंस्पेक्टर ने इनकी स्पीड को जो है कम कर दिया था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क। मार्गी को इसमें एक स्लॉट जिसमें कि उसको होमवर्क रखना पड़ता था वो स्लॉट उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर्स जहाँ पर उसको इंसर्ट करने पड़ते थे वो स्लॉट मार्गी को पसंद नहीं था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड। जब वो 6 साल की थी उसको एक पंच कोड सिखाए गए थे जिस फॉर्म में उसको आंसर देने होते थे, एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम।
और मैकेनिकल टीचर जो भी मार्गी ने टेस्ट पेपर रखे हैं बड़ी ही जल्दी इवैल्यूएट करके मार्क्स को बता देते थे। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जैसे ही इंस्पेक्टर काउंटी इंस्पेक्टर ने अपने काम को फिनिश किया वो मार्गी को देख के अगेन मुस्कुराते हैं एंड पैटेड मार्गिस हेड और मार्गी के सिर को थपथपाते हैं। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटल गर्ल्स फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स मिस्टेक। और वो मार्गी के फेवर में बोलते हैं, वो मिसेस जोन से कहते हैं कि ये इस छोटी लड़की की गलती नहीं थी। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड लिटल टू क्विक। एक्चुअली जो ज्योग्राफी सेक्टर था, ज्योग्राफी पोर्शन था, वो थोड़ा जल्दी मूव कर रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कई बार ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। और मैंने इसको थोड़ा स्लो कर दिया है ज्योग्राफी सेक्शन को, और इसको मैंने मार्गी की एज के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और वो मार्गी की तारीफ करते हैं कि मार्गी की जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्शन देने वाली है, सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पैटेड मार्गिस हेड अगेन। और वो उस बच्ची के सिर को दोबारा पैट करते हैं, थपथपाते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मीन्स होपलेस, निराश थी वो। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। ऑल टुगेदर मीन्स कम्प्लीटली। उसने तो उम्मीद की थी कि वो टीचर सेक्शन को कम्प्लीटली निकाल के ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टोमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकड आउट कम्प्लीटली। ब्लैंकड आउट मीन्स अपीयर्ड ब्लैंक, खाली। तो एक बार क्या हुआ था, टोमीज के जो कंप्यूटर में कुछ खराबी हो गई थी और उसका जो टीचर सेक्शन था वो हिस्ट्री वाला एक महीने के लिए ख़राब हो गया था। उसको वो निकाल के ले गए थे, वो ठीक नहीं हुआ था। और इसका जो टीचर सेक्शन है वो एक घंटे में ही ठीक हो गया। सो सी सेड टू टोमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। इसलिए वो स्कूल को पसंद नहीं करती और वो टोमी को बोलती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टोमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर मीन्स ग्रेटर आइज, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। तो वो उसकी नॉलेज को बढ़ाता है, वो कहता है कि ये हमारे स्कूल के जैसा स्कूल नहीं था। स्टूपिड, ब्रेनलेस, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। 100 से भी ज़्यादा साल पहले कैसे स्कूल होते थे ये उसके बारे में बता रही है। ये बुक जो है हमें 100 सालों से पहले जो स्कूल्स होते थे उनके बारे में बता रही है। ही एडिड लॉफ्टीली। लॉफ्टीली मीन्स सुपीरियर, इन ए सुपीरियर वे। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, मेकिंग साउंड। प्रोनाउंसिंग का मतलब मेकिंग साउंड। सेंचुरीज अगो मतलब मैनी हंड्रेड ईयर्स अगो। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी जो है उसको ठेस लगती है। वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। उस समय स्कूल कैसे होते थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सेड एनी वे दे हैड ए टीचर। ओके, उनका एक टीचर होता था जैसे कि पिक में भी दिखाया गया है आपको। श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉजंट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन। तो उनका जो टीचर है वो कोई मैकेनिकल टीचर नहीं होता था, ये ह्यूमन बींग होता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। एक मैन जो है वो टीचर कैसे हो सकता है। वो जो लड़की है वो छोटी है, उसे समझ नहीं आ रहा है। वेल ही जस्ट टोल द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। वो बच्चों को होमवर्क देते थे और क्वेश्चंस करते थे। ए मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। तो वो कहती है कि एक इंसान में, एक मैन के अंदर इतनी इंटेलिजेंसी कहाँ से हो सकती है कि वो बच्चों को पढ़ा सके। श्योर ही इज़, वो अश्योर करता है उसको, नहीं ऐसा होता है। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर। मेरे फादर की नॉलेज उतनी ही है जितनी कि एक टीचर में होती है। ही नोज़ आलमोस्ट एज मच, वो लगभग नियरली, आलमोस्ट मीन्स वेरी नियरली, वो सारा कुछ जानते हैं जो कि मेरे कंप्यूटर टीचर को मालूम है। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट।
मार्गी जो है उससे असहमत नहीं होना चाहती थी, डिसएग्री नहीं होना चाहती थी. सी सैड आई वुडंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. मैं किसी अजनबी इंसान को अपने घर में मुझे पढ़ाने के लिए आना पसंद नहीं करूँगी. टोमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टोमी जो है जोर से हंसने लगा. यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं मालूम. द टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस, वो घर में नहीं आते थे. दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और वहाँ पे सारे बच्चे पड़ोस के पढ़ने के लिए जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही तरह के टॉपिक को पढ़ते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एज, क्या वो सेम एज ग्रुप के होते थे. बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड. एडजस्टेड मीन्स अरेंज्ड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचिज, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. कहते कि मेरी मम्मी तो कहती हैं कि एक टीचर को जो है हर एक बॉय और गर्ल के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, और हर एक बच्चे की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दे दैट वे देन. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो टोमी कहता है कि अगर आपको ये बुक पसंद नहीं है तो ठीक है, मत पढ़ो. आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैंने ये तो नहीं बोला कि मुझे बुक पसंद नहीं है. मार्गी सेड क्विकली. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. तो उसको वो बड़ा फनी लगता है कि वहाँ पे बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. तो अभी तक उन्होंने ये बुक आधी भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी की मदर आवाज़ लगाती हैं स्कूल. मार्गी लुकड अप. नॉट येट स्टिल ममा नाउ सेड मिसेस जोन्स. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टोमी टू. टू मीन्स मोर ओवर, और सिर्फ आपके ही स्कूल का टाइम नहीं हो गया है, परहैप्स टोमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है. मार्गी सेड टू टोमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. क्या मैं स्कूल के बाद इस बुक को पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली मीन्स केयरलेसली. केयरलेसली वो बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं पढ़ सकती हो. ही वॉकड अवे विसलिंग. तो वो विसलिंग मीन्स मेकिंग साउंड विद हिज माउथ. द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बिनीथ हिज आर्म. टग्ड का मतलब है पुश्ड. तो उसने अपनी बाजू के नीचे अपनी बुक को रखा और वो वहाँ से साउंड करता हुआ चला गया. मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसके मार्गी के बेडरूम के साथ ही उसका स्कूल रूम बना हुआ था जिसमें एक कंप्यूटर रखा था, और वहाँ पे मैकेनिकल टीचर जो है उसका वेट कर रहा था. इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे. सेम टाइम पे उसको ऑन किया जाता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. सैटरडे और संडे को छोड़कर. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्नड एट रेगुलर आवर्स. क्योंकि उसके मदर का मानना था कि बच्चे तभी अच्छे से पढ़ पाएंगे अगर वो सेम टाइम पे डेली पढ़ते हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है उस पर मैथमेटिक्स के लेसन स्टार्ट हो जाते हैं. लेसन था प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और आवाज़ सुनाई देती है कि आप कल का होमवर्क जो है प्रॉपर स्लॉट में प्रॉपर जगह पे इंसर्ट कर दो. मार्गी डिड सो विद ए साई. मार्गी ने आह भरी और वैसा ही किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय. जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे और वो स्कूल्स में जाते थे, वो उन स्कूल्स के बारे में सोच रही थी. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. सारे के सारे पड़ोस के बच्चे एक साथ पढ़ने आते. लाफिंग हंसते एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. स्कूल के आंगन में चिल्लाते हंसते. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम. एक साथ स्कूल के कमरों में बैठते. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और इवनिंग टाइम में सारे के सारे एक साथ अपने घरों की तरफ जा रहे होते. दे लर्न द सेम थिंग्स. सारे एक जैसी चीज़ों को पढ़ रहे होते. सो दे could help one another with the homework and talk about it. क्योंकि वो एक ही टॉपिक को पढ़ रहे होते थे तो वो डिस्कशन कर सकते थे और होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल.
और वो हैरान थी कि उस समय जो टीचर हैं वो ह्यूमन बींग्स होते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. फ्लैशिंग मीन्स एमिट लाइट सडनली. वेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 डैश डैश डैश, मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वहाँ पे मैथमेटिक्स का लेसन चल रहा है स्क्रीन पे और वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है कि वो बच्चे कितना एंजॉय करते थे जब वो अपने क्लास फेलोज के साथ बैठकर पढ़ते थे. दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टोरी. थैंक्स.